हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजाबी कढ़ी की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स तो बाद में बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, कढ़ी है तो दही चाहिए और बेसन चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिया हुआ है अराउंड 1.5 कप, इसी मेजरमेंट से 1.5 से 2 कप कर्ड लिया हुआ है। ये मैं एक बाउल में डालूंगी। और ये लिया हुआ है मैंने देखिए 1 कप भर के बेसन। इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको सब हैंड ये ब्लेंडर से कर लीजिए, जिस चीज पे मिक्सर से कर लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया है, इसमें कोई लम्ब ना रह जाए, लम्ब्स वगैरह तो फिर वो अच्छी नहीं लगती कड़ी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको अलग साइड में रख देंगे। अब चलिए हम उसके बाद कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी। घी आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, आपको जो घी यूज़ करना है। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून आप देसी घी डाल लीजिए, या जो भी ऑयल आपने जिस ऑयल में बनाना है। उसके बाद घी गर्म हो जाए, उसके बाद मैं डालूंगी। देखिए मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हुई हैं काट के लंबी लंबी, ये सब ऑप्शनल है, आपको कितना करारा चाहिए उस हिसाब से आप ये देख लीजिएगा। इसको देखिए घी में जरा सा कर लेंगे। इसके बाद देखिए मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये मैं डाल दूंगी। अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून नहीं है। और देखिए इसमें गार्लिक भी ऑप्शनल है, कई लोग गार्लिक नहीं खाते हैं, अगर वो नहीं डालना चाहते तो वो गार्लिक ना डालें, कोई दिक्कत नहीं, वो केवल जिंजर डाल लें। और घर में बच्चे हैं, ग्रीन चिलीज नहीं खानी, तो ग्रीन चिलीज भी अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए इसको जरा सा अच्छे से, बहुत हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसका कच्चापन खत्म करना है। ये हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए हल्दी पाउडर डालूंगी। अराउंड 1 स्पून इसमें हल्दी पाउडर डल जाएगा। ये देखिए अब फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी सी 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ग्रीन चिलीज डाल चुके हैं। तो बाकी आप टेस्ट के हिसाब से जितना करारा खाना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं। और इसमें डलेगा सॉल्ट टू टेस्ट अराउंड, पर 2 स्पून तो आराम से डल जाएगा, उतना तो आप डाल लीजिए। बाकी आप उसके बाद देख लीजिएगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो आप उसके बाद ज़्यादा कर लीजिएगा। अराउंड 2 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। ये देखिए अब इसको अच्छे से कर लेंगे अब हम। और जरा सा मसाला, देखिए मसाले भून गए। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा अराउंड 1 टेबल स्पून मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दी है मैंने। ये देखिए अराउंड 1 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है कढ़ी का। और कोशिश करिएगा जो आप दही यूज़ कर रहे हैं कढ़ी बनाने में, वो दही खट्टी हो। आप दही जमा के एक दिन रख दीजिए, उसको एक दिन यूज़ मत करिए, फिर नेक्स्ट डे कढ़ी बनाइएगा। ये देखिए बस इसको अब हमने अच्छे से, ज़रा सा टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसको भून लेंगे। ये देखिए देखिए घी आने लग गया है। इस टाइम पे हम इसमें ये जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर था इसको इसमें, और इसके बाद हम इसमें ये बचा हुआ है इसमें हम पानी डाल लेंगे। अराउंड इसमें 1 लीटर पानी इजिली डल जाएगा। देखिए पूरा 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है,
अभी इसमें मेरे को पानी और कम है, इसमें मुझे पानी अराउंड हाफ लीटर में पानी और डालूंगी। ये देखिए मैंने हाफ लीटर पानी इसमें और डाल दिया है, अराउंड 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको हमें एक बार अच्छे से हाई फ्लेम पे उबाला दे देना है, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे करके इसको अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे। चलिए जब तक ये उबल रहा है साइड में हम इसके कड़ी के पकोड़े भी बना लेते हैं। और मैंने इसमें प्याज इसलिए नहीं डाला है, अभी आप सोच रहे हो मैंने प्याज नहीं डाला, क्योंकि कई लोग हैं जो कड़ी में प्याज पसंद नहीं करते, तो इसका प्याज का यूज़ हम बाद में करेंगे कड़ी में, मैं आपको बाद में बताऊँगी लास्ट में। चलिए ये हमारा हो गया, इसको उबलने रख देते हैं पीछे और उसके बाद हम साथ साथ यहाँ पर कड़ी के पकौड़े बना लेते हैं। कड़ी उबल रही है उधर साइड में पड़ी हुई गैस में, तब तक चलिए हम पकौड़ों का कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज छोटा छोटा बारीक काटा हुआ है, और ये प्याज तो बिल्कुल देखिए ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं डाल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्याज नहीं डालने तो आप केवल बेसन से पकौड़े बना लीजिए। और इसमें प्याज में मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च भी काट ली थी, ये 1 कप अराउंड। ये देखिए ये बेसन है, और इसमें ये देखिए 1 अराउंड 1 से 1.5 चुटकी ये बेकिंग सोडा है, ये हम डाल देंगे इसमें। बेसन में थोड़ा सा और डालूंगी, देखिए 1/4 कप मैंने बेसन और ले लिया है। अब इसमें मिस्क के बाद हम डालेंगे इसमें देखिए ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे, सॉल्ट देख लेंगे जितना चाहिए, अराउंड 1 स्पून, ये स्पून बहुत छोटी है ना इसलिए मैंने आधा स्पून डाला अराउंड। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे इसमें, आप चाहे तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दीजिए, है ना, बस इतना मसाला डालेंगे इसमें। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अब इस टाइम पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये बैटर थोड़ा सा पानी और डालेगा, अब बाकी देखिए सॉल्ट और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कई लोग नमक बहुत कम खाते हैं, कई लोग थोड़ा सा तेज खाते हैं, तो वो बाकी आप कर लीजिएगा। और मिर्चें भी बच्चे खा रहे हैं बड़े खा रहे हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा जो मैं रेशियो बता रही हूँ उससे बिल्कुल एक नॉर्मल बनेगा, ना ज़्यादा मीठा है सॉरी ज़्यादा मिर्ची वाला होगा ना ज़्यादा फीका होगा, इसको हल्के से थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेंगे। उधर मैंने घी गर्म होने रख दिया है, इसके बाद चलिए हम पकोड़े भी तल लेंगे। इसको 2 मिनट अच्छे से, इसको बेकिंग सोडा भी डाला है ना, उसके बाद आप इसको अच्छे से 2 मिनट बस फेंट लीजिएगा इस तरीके से, बस में चाहें तो। चलिए थोड़ा इसको हम पकोड़े तल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरी इधर कड़ी हो रही है, मैंने रखा हुआ 10 मिनट अराउंड इसको हो चुका है, पर अराउंड इसको 25 से 30 मिनट आराम से लग जाता है कड़ी को रसने में, पूरी प्रॉपर बनने में, तो इसको मैं एज इट इज़ पड़ा रहने दूंगी। और इधर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने देखिए ऑयल गर्म करने रखा हुआ, मेरा ऑयल लगभग गर्म हो चुका है, चलिए मैं पकौड़े तल लेती हूँ। देखिए पकोड़े का बैटर ऑलरेडी आपको मैंने कर ही लिया था, इसमें थोड़ा सा मैं ना धनिया डाल देती हूँ थोड़ा सा, और इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। चलिए अब हम इसको पकोड़े कर लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे कर देंगे एकदम से पकोड़े, अब पकौड़ों का साइज़ आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है तो छोटे ही बनाइए, क्योंकि वो कड़ी में पड़ते ही थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। थोड़े थोड़े करके हम पकोड़े और हिलाएंगे नहीं एकदम से, और देखिए अपने आप ही देखिए पकोड़े हो रहे हैं। अब हम इनको अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं,
देखिए मेरे पकोड़े हो रहे हैं, ये लगभग हो चले हैं। देखिए मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे कर दिया था, लास्ट में ऐसे हो जाए तो फिर इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करके थोड़ा सा अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े लगभग तैयार हो गए। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं सारे पकोड़े तल लेती हूँ। उधर कढ़ी हमारी हो रही है, इसके बाद हम कढ़ी भी चेक कर लेते हैं। देखिए पकोड़े हो गए हैं, उनको देखिए टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे इसी तरीके से। देखिए हमारे पकोड़े ये एक लॉट बन गए, थोड़ा सा और बचा है, मैं वो भी तल लेती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि पकोड़ी वो कढ़ी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। देखिए मेरी कढ़ी हो रही है उधर, उधर बाकी के बचे हुए पकोड़े भी तल रहे हैं और इधर कढ़ी देखी हो रही है। मैं इसको चेक कर रही थी क्योंकि अभी अराउंड 15-17 मिनट हुए हैं इसको होते हुए, तो ये मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ना मैं पानी और ऐड कर देती हूँ क्योंकि अराउंड हमें 30 से 35 मिनट इसको कढ़ी को पकाना ही है। अराउंड मैंने 1/2 लीटर पानी और ऐड कर दिया है क्योंकि कढ़ी को जब तक रसेगी नहीं ना, कढ़ी का तो स्वाद ही रसने का है बोलते हैं ना, जब तक रस ना जाए अच्छे से। अब इसको हम उबलने के लिए अभी इसको 15 मिनट और लगेगा, जब तक चलिए हमारे पकौड़े तल रहे हैं, मैं उनको निकाल लेती हूँ। देखिए मेरे पकोड़े सारे तल गए हैं, अराउंड 19-20 पकोड़े बन गए 1.5 कप से, और साइज़ भी मैंने मीडियम रखा है ना, बहुत छोटे भी नहीं बनाए और बहुत बड़े भी नहीं बनाए, बड़े तो इसलिए क्योंकि अभी कढ़ी में जाने के बाद ये ऐसे ही थोड़े से बढ़ जाएंगे, फूल जाएंगे। तो चलिए अब मैं कढ़ी को 15 मिनट और छोड़ देती हूँ, आराम से मीडियम फ्लेम पे है, उसको पक जाए तो फिर मैं पकोड़े कढ़ी में डालूँगी। देखिए मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया से तैयार हो गई है मेरी कढ़ी, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल इस टाइम पे आप इसको ज़रा सा चख के देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा इसको कि आपको इस समय अगर लग रहा है कि थोड़ा सा नमक डालने की ज़रूरत है या थोड़ा सा मिर्ची कम लग रही है तो आप इस समय इसमें डाल लीजिएगा। अब हम डालेंगे इसमें अराउंड ये देखिए 1 स्पून कसूरी मेथी अच्छे से हाथ से भर के इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आप टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कढ़ी पक गई है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रह जाएगा। और इस टाइम पे हम इसमें जो पकोड़े तले रखे हुए थे धीरे धीरे ये भी डाल देंगे सारे से, आराम से डालिएगा नहीं तो कढ़ी उछलेगी। ये देखिए हमारी कढ़ी, अब हम इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे रख के पकोड़ों को पकने देंगे इसको इस तरीके से। और आप टेस्ट तो कर ही चुके होंगे, जो चीज़ आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा कुछ डालने की आपको ज़रूरत लग रही है तो आप उसमें डाल लीजिएगा। और बाकी ये परफेक्ट तैयार हो गई हमारी कढ़ी। अब मैं लास्ट में इसका बताऊँगी आपको तड़का। चलिए ये मेरी 5 मिनट हो जाए फिर मैं आपको इसका तड़का बताती हूँ, फिर हमारी कढ़ी बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगी। चलिए अब मैं इसका तड़का बताती हूँ आपको बनाना। सबसे पहले मैं देखिए अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें घी डालूंगी और उसके बाद ये डालूंगी मैंने लंबे पतले कटे हुए लंबे लंबे प्याज लिए। ये तड़का आप चाहें, आप जैसे प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसमें तड़के में भी प्याज स्किप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कढ़ी में शुरू में नहीं डाले थे। नहीं तो कई बार तड़का बनाते समय ही कढ़ी में हम जब कढ़ी पहला तड़का बनाते हैं तभी डाल देती हूँ। और अगर आप लहसुन भी नहीं खाते तो आप इसमें से रेसिपी में से लहसुन भी स्किप कर सकते हैं और प्याज भी कर दीजिएगा। इस प्याज को मुझे अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर लेना है और साथ में मैं ये देखिए रेड चिली है इसको साथ में अराउंड 2-3 रेड चिली डाल दूंगी इसमें साथ साथ।
इनको हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये देखिए हमारा तड़का ब्राउन, हमें अच्छे से भून लेना है, ब्राउन कर लेना, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए ये हमारा हो गया है, देखिए प्याज देखिए अच्छे से हो गए। इसको इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे प्याज हो गए और मिर्चे भी देखिए बिल्कुल अच्छे से भून हो गई हैं। अब इस टाइम पे हमने इसमें बस एक चीज डालनी है, हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 स्पून, ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये थोड़ा सा चीज को कलर ऐड कर देती है, इसमें तीखापन नहीं होता है। ये देखिए अब कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी मैंने इसमें और इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है और उधर देखिए हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने इसको रसने के लिए छोड़ना है, कढ़ी तैयार तो हो गई है पर अभी इसको पकौड़े भी इसमें रस जाए अच्छे से, तो इसको हम आधे अब ढक के रख देंगे। अब आधे घंटे बाद ही इसको सर्व करिए। वैसे कोशिश करिए कि कढ़ी बना रहे हैं आप तो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा पहले तो बना ही लीजिए, क्योंकि जब तक कढ़ी रसी हुई नहीं होगी तो उसका स्वाद नहीं आएगा। और ये तड़का भी रेडी है, इसको हम जब कढ़ी सर्व करेंगे तो ऊपर से डाल के सर्व करेंगे। तो कढ़ी भी मैं ढक के रख देती हूँ, तड़का भी आधा घंटा कढ़ी को रसने देती हूँ अच्छे से, उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी हो गए खाने के लिए। देखिए मैंने कढ़ी में तड़का डाल दिया, आधी कढ़ी सर्व करी है तो आधे में आधा तड़का डाल दिया, साथ में चावल राइस बॉईल कर लिए और मेरे कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप मेरे कढ़ी की रेसिपी ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा भी कि कैसी बनी आपकी कढ़ी, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि एक टिप है कि अगर आपकी कढ़ी खट्टी नहीं है, दही खट्टा नहीं है, वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें आप आधा नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं, या आजकल कच्ची अमियां आ रही है बहुत अच्छी, तो कच्ची अमियां पतली पतली काट के इसमें डाल दीजिएगा, तो वही कढ़ी वाला टेस्ट आपका आ जाएगा और कढ़ी बहुत ही चटपटी बनेगी आपकी। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।